विवाहित होने वाला नहीं, अभी तो हो रहा है। हम निस्तेज होते जा रहे हैं माते। देवताओं की सहायता के लिए इस रहस्य का भेद पता लगाने की अनुमति दीजिए। त्रिपुरासुर तो अत्यंत शक्तिशाली असुर है, वहाँ जाने से तो तुम भी संकट में पड़ सकते हो। माँ, कुछ समय पूर्व मुझे एक रहस्यमय अनुभव हुआ। अंतरिक्ष में एक विचित्र त्रिकोणाकार स्थान है, जिसके निकट जाने के मेरे प्रयास को किसी दिव्य मांत्रिक शक्ति ने विफल कर दिया। त्रिपुर, उसका आभास तो मुझे भी हुआ था पुत्र। समस्त ब्रह्मांड में ऐसा एकमात्र वही स्थान है पुत्र। त्रिपुर माँ, स्वामी के तीन महान भक्तों के तीन पुर हैं त्रिपुर। तुम वहां इसीलिए प्रवेश नहीं कर सके पुत्र, क्योंकि वो ब्रह्मदेव के वरदान से सुरक्षित हैं। कौन है ये शिव भक्त माँ, और उन्हें क्या वरदान प्राप्त है? दुष्ट असुर सम्राट ताड़कासुर है त्रिपुर का कारण। तुम्हारे भ्राता के हाथों उसके वध के पश्चात उसके तीनों पुत्रों ने मेरु पर्वत पर भीषण तपस्या कर ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया। तारकाक्ष, कमलाक्ष, प्रणाम ब्रह्मदेव। विद्युन्माली, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ ताड़कासुर पुत्रों। कहो, क्या वरदान चाहते हो तुम? ब्रह्मदेव, हमने आपके लिए कठोर तप किया है, वरदान भी उसके अनुसार दीजिए। कृपया हमें अमरत्व का वरदान दीजिए। अमरत्व का वरदान मैं तो क्या कोई नहीं दे सकता। जो जीवित है उसकी मृत्यु भी होगी, यही सृष्टि का अटल नियम है, जिसे कोई भंग नहीं कर सकता। इसीलिए अमृत्यु के सिवाय जो इच्छा हो मांग लो। अच्छा ब्रह्मदेव, ये भी उचित। हमारे पिता असुर सम्राट तारकासुर की मृत्यु के पश्चात पूरे ब्रह्मांड में असुरों के लिए कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं रहा। छिपते छिपाते भयभीत होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक ऐसा सुरक्षित स्थान हो जहां असुरों की सुरक्षा निश्चित हो, जहां पर बिना अनुमति के देवता भी प्रवेश ना करें। हमें अंतरिक्ष में ऐसे तीन पुर दीजिए, एक जो स्वर्ण से बना हो, दूसरा जो रजत से निर्मित हो, और तीसरा जो लोह का हो। हमारे ये तीनों पुर ब्रह्मांड की सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हो और हमारे समान ही त्रिकोण के आकार में मिले हों।
जिससे हम एक दूसरे पर दृष्टि रख सके। त्रिपुर कहलाए जाने वाले ये हमारे तीनों पुर आपकी कृपा से कभी कोई नष्ट ना कर सके। त्रिपुर तुम्हें अवश्य प्राप्त होंगे, किंतु जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट भी होगा। अमरत्व के समान त्रिपुर में सदा सुरक्षित रहने का वरदान मैं तुम्हें प्रदान नहीं कर सकता। अच्छा ब्रह्मदेव, ये भी उचित है तो कृपया इतना कीजिए कि संसार के देवता स्वयं महादेव ही इस त्रिपुर को नष्ट कर सकते हैं और हमारा वध उन्हीं के हाथों हो, उनके अतिरिक्त किसी और के हाथों नहीं। चिंता मत करो प्रार्थनाओं, मैंने इस पर पूरा विचार किया है। हम महादेव की ऐसी भक्ति करेंगे, ऐसा तप करेंगे कि त्रिपुर स्वयं शिव भक्ति धाम बन जाएगा और फिर महादेव हमारा या हमारे त्रिपुर का विनाश नहीं कर पाएंगे। अमर होने का यही एक उपाय है। ब्रह्मदेव, इससे सृष्टि का कोई नियम भंग तो नहीं होता, इसलिए यदि आप हमारे तप से प्रसन्न हैं तो कृपया हमें यह वरदान दीजिए। तथास्तु। वरदान देने के बाद ब्रह्मदेव ने मायावी विद्या के ज्ञाता मायासुर तारकासुर पुत्रों की इच्छा अनुसार तीन पुरों का निर्माण करने का आदेश दिया। फिर वो तीनों असुर भ्राता अपनी प्रजा के साथ वहां शिव भक्ति में लीन रहने लगे। तो यही कारण था कि मुझे वहां शिव मंत्र सुनाई दे रहे थे और ब्रह्मदेव के वरदान के कारण ही मैं वहां प्रवेश भी नहीं कर सका। हाँ पुत्र, किंतु तारकासुर त्रिपुरासुर कुछ भी अनुचित कर अपनी सुरक्षा पर आंच क्यों आने देंगे? इसका तो कोई कारण नहीं है। माँ, जिनके स्वभाव में खोट हो वो भक्ति भाव का कितना भी प्रदर्शन क्यों ना कर ले, उनका अंतर तो कपट से ही भरा होता है, क्योंकि जो हो रहा है वो सर्वथा अनुचित है और उसका स्रोत अवश्य त्रिपुर ही है। मुझे प्रतीत हो रहा है माँ कि वहाँ भक्ति का दिखावा एक भुलावा है और जिसके पीछे एक भयंकर सत्य छुपा है जो संसार पर संकट का रूप लेकर उजागर होने वाला है। ओम नमः शिवाय। मुझे तो अभी भी आभास हो रहा है माँ, जैसे देवताओं और अन्य सभी चराचर जीवों का कोई बड़ा अहित होने वाला है जिसको समय रहते अत्यंत रोकना आवश्यक है। माता, प्रथम पूज्य श्री गणेश उचित कह रहे हैं, किंतु अहित होने वाला नहीं, अपितु हो रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये किसी महासंकट से कम नहीं। हम निस्तेज होते जा रहे हैं माते, हमारी ऊर्जा और शक्ति प्रतिपल क्षीण होती जा रही है। और ये सब क्यों और कैसे हो रहा है माता, हमें ज्ञात भी नहीं है। और हमें पूर्ण विश्वास है माता, जिस प्रकार विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश ने प्रतियोगिता के समय समस्त बाधाओं से हमें दूर किया, वही इस समस्या से हमें मुक्ति दिलाएंगे।
संकट का स्रोत कहाँ है ये ज्ञात है मुझे, किंतु संकट क्या है और क्यों है ये जानना अभी शेष है। किंतु आप चिंता मत कीजिए देवराज, धर्म का पालन करने वाले के लिए यदि विघ्न हरता हूँ मैं, तो दुष्ट अधर्मियों के लिए विघ्न करता भी तो हूँ। माँ, देवताओं की सहायता के लिए मुझे त्रिपुर में प्रवेश कर इस रहस्य का भेद पता लगाने की अनुमति दीजिए, जिससे मैं सृष्टि पर छाए इस संकट को दूर कर सकूं। किंतु पुत्र, त्रिपुरासुर तो अत्यंत शक्तिशाली असुर है। अपने पिता से भी अधिक बलवान है वो। वहां जाने से तो तुम भी संकट में पड़ सकते हैं। माता, आप चिंता मत कीजिए, हम भी श्री गणेश की सहायता के लिए उनके साथ जाएंगे। अवश्य आप भी चलते देवराज, किंतु जिस प्रकार से आपकी शक्ति क्षीण हुई है उसे देखकर आपका वहां जाना उचित नहीं होगा, और वैसे भी त्रिपुर में तो देवताओं का प्रवेश भी वर्जित है। आपके वहां आने से उन्हें संदेह होगा और वो सतर्क हो जाएंगे, फिर हम उनके गुप्त भेद कभी नहीं जान पाएंगे। इसलिए ये कार्य तो मुझे एकाकी ही करना होगा। किंतु पुत्र, तुम वहां कैसे प्रवेश करोगे? उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए माँ। इस बार उनके आसुरी छल को बल से नहीं बुद्धि से भेदूंगा मैं। उनके आराध्य का पुत्र होने के कारण मुझे कोई क्षति पहुंचाने की कल्पना भी नहीं करेंगे वो। मूषक जी, मेरे साथ त्रिपुर के भीतर जाने के बाद ये आपका कार्य होगा कि आप छिपकर ज्ञात करें कि वहाँ क्या अनुचित घट रहा है। छिपकर वहाँ घूमकर ये कार्य करने में तो मुझे बहुत आनंद आएगा। स्मरण रहे कि इस कार्य में आपको अत्यंत सावधान रहना होगा मूषक जी। जी प्रभु, मैं अत्यधिक सतर्क रहूँगा। रुकिए मूषक जी, ऊर्जा का कवच है यहाँ। तो हम इसके भीतर कैसे जाएं प्रभु? मुझे ज्ञात है मूषक जी। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकारम परमेश्वरम केदारम हिमवत् पृष्ठे डाकियां भीम शंकरम वाराणस्यां च विश्वेशं त्रयंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतु बंधे च रामेशं घुष्मेशं च शिवालये। प्रभु महादेव की द्वादश नामावली का पाठ कर आपने प्रभावित कर दिया मुझे। प्रतीत होता है कोई महान शिव भक्त शिव भक्ति धाम त्रिपुर में प्रवेश चाहता है। मैं मात्र शिव भक्त नहीं अपितु शिव पुत्र गजानन गणेश हूँ। शिव पुत्र पार्वती नंदन गजानन गणेश शिव भक्ति धाम त्रिपुर नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे पिता के प्रति आपकी परम भक्ति की बड़ी ख्याति सुनी थी, इसीलिए जिज्ञासावश स्वयं आपके दर्शन करने चला आया। आपको यहाँ पाकर तो हमें परम आनंद का अनुभव हुआ है प्रभु, कृपा भीतर आकर हमें कृतार्थ कीजिए। आइए आइए, आपका स्वागत है।
ठीक है, चलिए मूषक जी। अब जब मैं इनके पूर में प्रवेश कर ही चुका हूँ तो इनके सत्य को भी अवश्य ज्ञात कर लूंगा। ये तो मेरा अद्भुत स्वागत कर रहे हैं। ओम ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और यहाँ तो सभी भक्ति भाव में भी लीन है। ओम नमः शिवाय। मुझे तो लगा था मैं भीतर आकर इनके दिखावे के पीछे छुपे रहस्य को जान लूंगा, किंतु यहाँ तो कुछ भी अनुचित दिखाई नहीं दे रहा, अपितु सभी पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा पाठ में लीन है यहाँ। फिर मुझे वो आभास क्यों हुआ था? महादेव पुत्र गणेश, आपके पांव को कोई कष्ट ना हो इसलिए इन पुष्पों की कोमल पंखड़ियों पर पांव रखकर आगे बढ़िए प्रभु। धन्यवाद। आपके चरण कमल धोने की अनुमति दीजिए। यहाँ की वास्तविकता तो मेरी कल्पना के विपरीत है। अनुपम भक्ति भाव है इनका, किसी कपट का तो लेश मात्र चिन्ह भी नहीं। दीजिए। भक्ति भाव से परिपूर्ण है ये, किंतु ये केवल इनका बाहरी आवरण है या इनका अंतर भी भक्ति भाव के निर्मल भाव से प्रकाशित है? संभव है मूषक जी को ही कुछ ज्ञात हो जाए। हाव भाव से तो कुछ भी ज्ञात नहीं हो रहा है, किंतु फिर मुझे यहाँ किसी षड्यंत्र का आभास क्यों हुआ? आइए शिवपुत्र गणेश, अपना आसन ग्रहण कीजिए। नहीं, मैं इस स्थान पर स्थित नहीं हो सकता। क्या हुआ प्रभु, हमसे कोई भूल हुई क्या? वो आसन शिवलिंग के आधार से ऊंचा है। पुत्र का स्थान तो पिता के चरणों में होता है, उनसे ऊपर नहीं। और वैसे ही प्रभु, भक्त का स्थान तो सदा ही भगवान के चरणों में होता है,
इनकी भक्ति में तो कोई दोष दिखाई नहीं देता, किंतु फिर किसी कपट का आभास क्यों हो रहा है मुझे? अब तो मूषक जी ही कुछ पता लगाएं। ये कैसी काली छाया मेरी ओर बढ़ी आ रही है? जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती, पिता महादेवा। बुद्धिमान वही होते हैं जो बाहरी दिखावे पर विश्वास नहीं करते, अपितु सत्य जानने का प्रयास करते हैं। ये अपूर्ण असुर मूर्तियाँ कौन कर रहा है इनका निर्माण? मैं और त्रिपुरासुर मिलकर देवताओं का अंत कर देंगे और अनंत काल के लिए सर्वत्र असुरों का आधिपत्य स्थापित करेंगे। इस हफ्ते देखिए त्रिपुरासुर के संकट से सभी देवों को कैसे मुक्त कराया श्री गणेश ने।